सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो आज्ञा गुरुदेव, कुशल धनुर्धारी, धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति, जिसे देखकर मैं आज गर्व की अनुभूति कर रहा हूं। आज तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। बोलो एकलव्य, क्या चाहिए तुम्हें? बस बस गुरुदेव, मुझे आपका कृपाशीष चाहिए, मुझे आपका शिष्य बनने का सौभाग्य मिले, मुझे और क्या चाहिए? गुरुदेव, मैं अपने आप को सारे जगत में भाग्यशाली समझता हूं। मेरी श्रद्धा स्वीकार करें गुरुदेव। हे गुरु भक्त धनुर्धारी, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ऐसा शिष्य कौन नहीं चाहेगा जो पृथ्वी आकाश और पाताल लोक तक अपनी विजय पताका फहराने की क्षमता रखता हो। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर तो गुरु भी धन्य हो जाएगा। किंतु किंतु क्या गुरुदेव? बस आज से मैं तुम्हें अपना शिष्य मानता हूं। किंतु शिष्य के विद्या में निपुण हो जाने के पश्चात गुरु दक्षिणा देनी होती है, तभी उसकी विद्या पूर्ण होती है। आदेश दे गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें भी गुरु दक्षिणा देनी होगी एकलव्य। मैं गुरुदेव, मैं एक निर्धन आदिवासी, मेरे पास क्या है देने के लिए? मैं अपना जीवन भी अर्पण कर दूं तो कम है? तुम्हारा जीवन लेकर मैं तुम्हारे जैसा शिष्य खोना नहीं चाहता एकलव्य। मुझे तुम्हारा जीवन नहीं, गुरु दक्षिणा में केवल तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। गुरुदेव, गुरुदेव, यह आप क्या मांग रहे हैं? अंगूठे के बिना तो धनुर्धर जीवन अर्पण करने की बात करते हैं, किंतु गुरुदक्षिणा में शरीर का एक उच्च अंग, एक अंगूठा नहीं दे सकते। सुनो एकलव्य, मैं तुम्हारा इष्ट चाहता हूं, भला चाहता हूं मैं तुम्हारा। तुमने अपने परिश्रम से धनुर्विद्या तो प्राप्त कर ली, किंतु शास्त्र एवं परंपरा के नियमानुसार पाप किया है, घोर पाप किया है तुमने। वत्स, जो भी जिस कुल में जन्म लेता है वो उसके पिछले जन्म के पाप एवं पुण्य के आधार पर लेता है। ये तुम्हारे पिछले जन्म के पाप ही है जो तुम इस जन्म में आदिवासी हो, शूद्र हो। शास्त्र एवं परंपरा के नियमानुसार धनुर्विद्या प्राप्त करने का एवं उसका प्रदर्शन करने का अधिकार केवल उच्च वर्णीय क्षत्रियों को है। तुम्हें धर्म का कठोरता से पालन करना चाहिए। तुम आदिवासी क्षत्रिय नहीं। गुरु दक्षिणा में अंगूठा देकर तुम धर्म का पालन करोगे, यही कर्म उचित है। वत्स, परंपरा के सम्मान के लिए तुम्हें गुरु का आदेश मानना ही होगा। ठीक है गुरुदेव, जब मैंने आपको गुरु के रूप में स्वीकार किया है तब मुझे शिष्य का कर्तव्य निभाना ही होगा। हाँ गुरुदेव, मैं शिष्य का कर्तव्य निभाऊंगा, ताकि संसार यह न कह सके कि एकलव्य गुरुदक्षिणा देने में असमर्थ था। किंतु गुरुदेव, अंगूठा विच्छेद करने से पहले मैं एक बार आपसे अनुमति चाहता हूं धनुष उठाने की, ताकि उस निरपराध प्राणी को मैं मुक्ति दे सकूं जो मेरे अभ्यास में बीच में डालकर अपना मुखद्वार बंद करवा बैठा है।
हे मेरे शूरवीर एकलव्य, तूने ये क्या कर दिया? अपनी शक्ति और कौशल्य को अपने ही हाथों से नष्ट कर दिया। अरे, तेरे धनुष से निकले तीरों की बौछार को देखकर लग रहा था कि तू, सिर्फ तू मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालकर मेरा सम्मान मुझे वापस लौटा देगा।